मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भारप्रिया। मोबाइल बिगाड़ रहा है शरीर का ढांचा। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से गर्दन में विकसित हो रही है नुकीली हड्डी। मोबाइल फोन और टैबलेट शरीर का ढांचा बिगाड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट विद्यालय में हुई सर्च में ये बात सामने आई है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ऐसे गैजेट पर अधिक समय बिताने पर सिर में पिछले हिस्से में एक अतिरिक्त नुकीली हड्डी देखी जा रही है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। इस शोध में 18 से 86 साल के लोगों को शामिल किया गया और काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये सामने आया कि टेक्स्ट नेक के मामले में 18 से 30 साल के लोगों में अधिक देखने को मिल रहे हैं और इसकी वजह है मोबाइल और टैबलेट का अधिक इस्तेमाल, जो कि बहुत ही कम उम्र में बच्चों और युवाओं का पोस्चर बिगाड़ रहा है और उन्हें अभी से गर्दन दर्द और पीठ दर्द जैसी समस्याएँ होने लगी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक पिछले एक दशक में गर्दन की हड्डी के पोस्चर बिगड़ना ज़्यादा देखे गए हैं। इससे पहले भी ये मामले सामने नहीं आ रहे थे। शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि बच्चों की रीढ़ की हड्डी का आकार भी बदल रहा है। इसका कारण है मोबाइल फ़ोन का अधिक इस्तेमाल करना। गैजेट्स का अधिक इस्तेमाल करने से लोगों को सर दर्द की समस्या भी होने लगी है। रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि हर व्यक्ति 12 मिनट में एक बार अपना स्मार्टफोन चेक करता है और सप्ताह में करीबन 24 घंटे वो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हुए बिताता है और हर 5 में से एक व्यक्ति पूरे सप्ताह में लगभग 40 घंटे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है। तो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बढ़ता हुआ एडिक्शन ही इन समस्याओं का कारण बन रहा है, जिसके चलते टेक्स्ट नेक जैसे मामले सामने आ रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।